सरमत कितनी देर लगेगी? करते हैं क्या? बस हो गया और मत गया। अब कौन सी नई रेसिपी बना के खिलाओगे हमें? चाचा, सरमत, शाजिया, सरमत, शाजिया, सरमत, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हैं? जी अब्बू, देखो मेरा लड़का नाम इंजीनियरिंग में भी चलेगा। आप मुझे ऐसे ही इंजीनियरिंग करने के लिए फोर्स करते रहेंगे तो हर साल आपको ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो तुम क्या औरतों की तरह घर में बैठ के काम करना चाहते हो? आप जानते हैं मेरा इंटरेस्ट किसमें है और ये प्रोफेशन मर्द और औरत दोनों का होता है। सरमत चुप हो जाओ बेटा, और आप भी प्लीज चुप हो जाए, मैं समझा दूंगी इसे। नहीं मामा, आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है इस प्रोफेशन से? दुनिया करती है और मैं भी यही करना चाहता हूँ। तो तुम्हारे इस फालतू से प्रोफेशन के चक्कर में अपनी नाक कटवा दूं मैं? ये आपके लिए फालतू है, दुनिया लाखों रुपए खर्च करती है इसे सीखने के लिए। सरमत बेटा बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ और आप भी छोड़ दीजिए, खामोश हैं। तुम चुप ही करो, अपने बेटे की गलती में पर्दा नहीं डालो। आपका मसला ही तो यही है, आप जो कहते हैं वो सही है, हम जो कह रहे हैं वो गलत है। तो तुम क्या चाहते हो, दूसरों को रोटियां बना के खिलाना? ये प्रोफेशन उस हराम की कमाई से तो बेहतर है जो पुलिस वाले कमाते हैं। चले भाभी, मैं जा रही हूँ, उनकी कॉल आ रही है। अरे वो भाभी, आपके पास मिर्ची है? उनका टेस्ट बहुत मज़ेदार था। फिलहाल तो नहीं है, शाम को बनाऊंगी, भेज जाना। इसको तो नहीं मार रहा है, इसको तो नहीं मार रहा तू।